Hello parents and my dear students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar, mobile number 7568077458, class 3, subject English Grammar, chapter 3, lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टर्न टू पेज नंबर 13. ओके, सो हियर वी हैव page number 13. In the previous lecture we have completed question number 2 and question number 3. Students, humne pichle lecture mein question number 2 aur question number 3 complete kar liya hai, and today we will start question number 4. Aaj ka hamara lecture hum kisse start karenge? Question number 4 se. So let us start. Chaliye shuru karte hain. Identify the possessive nouns इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फुल स्टॉप. यहाँ कहा गया कि आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेज में से पजेसिव नाउन ढूंढ के निकालना है. इफ दे आर करेक्ट पुट अ टिक मार्क नेक्स्ट टू द सेंटेंस. अगर वो सही हैं तो आप सेंटेंस के पास में एक टिक मार्क लगाइए. इफ दे आर इनकरेक्ट राइट the correct form in the space provided. तो यहाँ कहा गया कि अगर वो गलत हैं तो आपको उन्हें कहाँ लिखना है? स्पेस में लिखना है. ओके, कहाँ लिखना है? स्पेस में लिखना है. डन. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज टूडे इज चिल्ड्रंस डे. यहाँ कहा गया है कि आज क्या है? चिल्ड्रंस डे. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चिल्ड्रंस डे में एस लगाया गया है. ओके, यानी यहां कहा गया है कि जब हम प्लूरल करते हैं तो चिल्ड्रंस होता है, नहीं चाइल्ड होता है सिंगुलर और उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन. एस नहीं आता है, चिल्ड्रन इररेगुलर प्लूरल है, उसमें पीछे एस नहीं आता है. ओके, सो यहां पर इसका प्लूरल होगा चिल्ड्रन और ये गलत है. सो आप यहां पर इसे करेक्ट करके हम यहां लिखेंगे स्पेस में. लिखिए कैपिटल सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन. आप चिल्ड्रन की स्पेलिंग लिख दीजिए. सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन. नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? अब आपको अपोस्ट्रोफी लगाना है. एक अपोस्ट्रोफी लगाइए एंड देन उसके बाद एस लगाइए, अपोस्ट्रोफे एस. सो ये क्या हो जाएगा? चिल्ड्रंस. अब लिखिए डे, डी ए वाई डे, डी ए वाई डे. ओके, क्या हो जाएगा? ये चिल्ड्रंस डे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. द स्कूल will remain closed on teacher's day full stop. तो यहाँ कहा गया है teacher's day पे school बंद रहेगा. okay, so here the word teacher's day is correct. यहाँ पर जो teacher's day लिखा गया है students, वो सही है. so हमें इसके आगे check लगाना है. okay, यहाँ पर आपको check mark लगाना है और अगर आप चाहें तो इसे यहाँ लिख भी सकते हैं as it is, जैसा ये लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप इसे यहाँ स्पेस में लिख सकते हैं. तो लिखिए टी ई ए सी एच ई आर टीचर अपोस्ट्रोफे कॉमा और एस. डन. आपको टीचर्स लिखना है, ओनली टीचर्स. ओके, डे नहीं लिखना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, राकेश डॉग लव्स
टू प्ले इन अदर पीपल्स गार्डन्स फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया राकेश का जो कुत्ता है, जो राकेश का डॉग है, उसे दूसरे लोगों के गार्डन में खेलना अच्छा लगता है, वो पसंद करता है दूसरों के गार्डन में खेलना। बट स्टूडेंट्स लुक हियर, यहाँ पर जो वर्ड पीपल्स है, दिस इज रॉन्ग। ओके, पीपल इज प्लूरल, पीपल खुद प्लूरल है, सो आप इसमें ऐसे एस नहीं लगा सकते हैं। ओके, पीपल्स कभी नहीं होता है, पीपल का प्लूरल पीपल ही रहता है, सो वो एस नहीं लगेगा एंड अपोस्ट्रोफे एस लगेगा, ये एस नहीं लगेगा, अपोस्ट्रोफे के बाद लगेगा एस। सो आप इसे क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर एक गार्डन्स के बाद छोटा सा क्रॉस कीजिए और यहाँ लिखिए जो सही है वो पी ई ओ पी एल ई, पी ई ओ पी एल ई पीपल, और अब आप लगाइए अपोस्ट्रोफे एस पीपल्स। डन, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंडर्स फेवरेट डॉग इज द बीगल। ओके, तो मैंडर का जो फेवरेट डॉग है वो क्या है, बीगल। बट लुक हियर स्टूडेंट, मैंडर्स यानी यहाँ पर जो सिंगुलर है वर्ड मैंडर, उसके आगे उसे प्लूरल बना के अपोस्ट्रोफे लगाया गया है, सो दिस इज रॉन्ग। मैंडर सिंगुलर नाउन है और वो नाम है किसी का। ओके, सो मैंडर देन अपोस्ट्रोफे एस लगेगा, सो ये दिस वन इज रॉन्ग, ये जो है वो रॉन्ग है। सो आप यहाँ पर एक क्रॉस का साइन लगा दीजिए बीगल के बाद। डन, अब आप यहाँ पर करेक्ट वन लिखिए, जो सही है उसे लिखिए कैपिटल एम ए एन डी ए आर मैंडर, एम ए एन डी ए आर मैंडर, और अब आप अपोस्ट्रोफे एस लगाइए मैंडर्स, अपोस्ट्रोफे एस मैंडर्स फेवरेट, मैंडर का फेवरेट। ओके, मैंडर सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है। नेक्स्ट इज जगन्स कैट रैन अवे लास्ट समर फुल स्टॉप। तो यहाँ देखिए जगन सिंगुलर नाउन है और उसके आगे एस लगाया गया है जो कि गलत है, उसे प्लूरल बनाया गया, जगन्स नहीं होता है। ओके, जगन की बिल्ली पिछले गर्मियों में भाग गई, तो जगन की मीन्स यहाँ पर अपोस्ट्रोफे लगेगा बीच में एन और एस के, जो नहीं लगाया गया है, सो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। और अब हम सही वर्ड यहाँ लिखेंगे, सो राइट लिखिए जे, कैपिटल लिखिएगा जे, बाकी सारे लेटर्स अब स्मॉल लिखेंगे, ए जी ए एन जगन। ओके स्टूडेंट्स, जगन की स्पेलिंग हो गई जे ए जी ए एन जगन। अब आप अपोस्ट्रोफे एस लगाइए, अपोस्ट्रोफे एस जगन्स, जगन की, ओके जगन की बिल्ली, जगन्स कैट, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, जगन्स। डन, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द आर्टिस्ट्स पेंटिंग वॉज सोल्ड ऑन मंडे फुल स्टॉप। यहाँ कहा गया कि आर्टिस्ट की जो पेंटिंग थी वो कब सोल्ड हुई, कब बिकी, मंडे को। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ देखिए जो हमारा पजेसिव नाउन है आर्टिस्ट, वो रॉन्ग है, यहाँ पर एक आर्टिस्ट की बात हुई है सिंगुलर आर्टिस्ट की और ये प्लूरल है। ओके, यहाँ पर देखिए आर्टिस्ट एस लगा हुआ है, सो दिस वन इज प्लूरल, सो वॉट वी विल डू, ये रॉन्ग है सो हम इसके आगे क्रॉस रखेंगे। ओके, आप यहाँ क्रॉस कीजिए मंडे के आगे और यहाँ सही वर्ड लिखिए ए आर, लिखिए स्टूडेंट्स ए आर टी आई एस टी, ए आर टी आई एस टी आर्टिस्ट। अब आपको अपोस्ट्रोफे एस लगाना है, अपोस्ट्रोफे एस आर्टिस्ट्स, आर्टिस्ट्स। ओके, डन,
Okay, now students, below we have another activity to be started. Okay, नीचे हमें एक और activity दी गई है जिसे हमें start करना है. That is fill in the blanks with the correct possessive forms of the nouns given in the bracket. One is done for you. तो आपको कहा गया है कि आपको bracket में एक word दिया है. Okay, उसका possessive noun आपको ब्लैंक में लिखना है. नीचे दिए गए सेंटेंसेस में आपको ब्रैकेट्स दिए हैं और उनमें वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उसमें उसका पजेसिव नाउन लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, एक आपको करके दिखाया गया है. यहाँ कहा गया है वन इज डन फॉर यू. एक आपको देखिए एज एन एग्जांपल बताया गया है. सो लेट अस रीड द फर्स्ट वन. चलिए फर्स्ट वन से ही शुरू करते हैं. एवरी वन्स एग्जाम्स आर ओवर नाउ. हर एक के एग्जाम खत्म हो चुके हैं. सो ये पजेसिव नाउन था और ये वर्ड एवरी वन सिंगुलर था. तो एवरी वन्स. ओके नेक्स्ट इज मैनी एनिमल्स लिव इन डैश जंगल्स. यहां कहा गया बहुत सारे जानवर रहते हैं डैश जंगलों में और वर्ड है इंडिया. तो आपको इसे पजेसिव बनाना है. सो व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वर्ड को यहां लिखिए ब्लैंक में, कैपिटल आई एन डी आई ए, आई एन डी आई ए इंडिया. अब हम इसके पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. ओके तो लगाइए स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी एस. इंडियाज क्या हो जाएगा ये, इंडियाज. सो ये सेंटेंस कैसे रीड करेंगे हम. मैनी एनिमल्स लिव इन इंडियाज जंगल्स. बहुत सारे जानवर रहते हैं इंडिया के जंगलों में. ओके इंडियाज, गुड. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मोजेस. व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, मोजेस. रूम इज बेटर देन माइन, फुल स्टॉप. अब मोजेस नाम है किसी का. ओके मोजेस नाम है और यहां पर देखिए मोजेस के एंड में ई एस लग रहा है. क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, ई एस. तो हम जब उसका पजेसिव बनाएंगे तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. ओके सो राइट, लिखिए कैपिटल एम. स्टूडेंट्स एम कैपिटल लिखिएगा, कैपिटल एम ओ एस ई एस Moses, M O S E S, Moses हो गया स्टूडेंट्स. अब आप सिंपली उसके आगे अपोस्ट्रोफी लगाइए, सिर्फ अपोस्ट्रोफी, आपको S नहीं लगाना है. ओके सो देखिए कैसे पढ़ा जाएगा ये, Moses room is better than mine. Moses का जो रूम है वो मेरे कमरे से बेटर है, अच्छा है, बेहतर है. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज डैश ओल्ड हाउस, फुल स्टॉप. तो यहां कहा गया है कि ये डैश ओल्ड हाउस और वर्ड है सुबोध. ये पुराना घर है सुबोध का. ओके सो हाउ विल वी राइट, कैसे लिखेंगे हम, लिखिए कैपिटल एस यू बी ओ डी एच. लिखिए स्टूडेंट्स कैपिटल एस यू बी ओ डी एच सुबोध. अब आप अपोस्ट्रोफे एस लगा दीजिए, अपोस्ट्रोफे एस सुबोध. तो यहां कहा गया ये सुबोध का पुराना घर है, दिस इज सुबोध ओल्ड हाउस. ओके स्टूडेंट्स Now, coming to the next sentence, the dash playground is on the left. Full stop. तो यहाँ कहा गया है जो dash खेलने का मैदान है वो दाईं तरफ है. Okay, is on left. बाईं तरफ है. So, the word is children. Word क्या है? Children.
सो हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? राइट, लिखिए सी एच आई एल डी आर ई एन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन. नाउ अब हम अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे, अपोस्ट्रोफे एस, चिल्ड्रंस, द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड इज ऑन द लेफ्ट. ओके, बच्चों के खेलने का मैदान दाईं तरफ है. ओके, बाईं तरफ है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीकैप. बिलो वी हैव द रीकैप. बिफोर दैट यू कैन चेक योर आंसर्स. उससे पहले आप एक बार अपने आंसर्स चेक कर लीजिए दैट यू हैव रोट एवरीथिंग करेक्टली. लुक हियर, एक्टिविटी फॉर फर्स्ट आंसर इज चिल्ड्रंस, सेकेंड इज टीचर्स. सेकेंड वन सही था, हमने उसे एज इट इज यहाँ लिखा है. थर्ड वन इज पीपल्स, थर्ड क्या है? पीपल्स. फोर्थ वन इज मैंडार्स, फिफ्थ वन इज जगन्स, सिक्स्थ वन इज आर्टिस्ट्स. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव, सेंटेंस नंबर बी, दैट इज इंडियाज. लुक हियर स्टूडेंट्स, अपने आंसर्स चेक कीजिए. इंडियाज. नेक्स्ट इज मोसेस, देन सुबोध्स, एंड देन चिल्ड्रंस. ओके गुड, नाउ लेट अस कम टू द बुक पार्ट एंड हैव अ रीकैप. चलिए एक रीकैप ले लेते हैं. Nouns which indicate that someone or something belongs to someone or something else are called possessive nouns. ऐसे nouns जो ये इशारा करते हैं कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से संबंधित है, तो वो कौन से nouns कहलाते हैं? Possessive noun. कौन से noun? Possessive noun. The standard form of possessive noun is noun plus apostrophe plus s. देखिए possessive noun को कैसे लिखा जाता है, उसका एक standard form है. पहले हम नाउन यानी वो वर्ड लिखेंगे, फिर अपोस्ट्रोफे लगाएंगे यानी ऊपर एक जो हम कॉमा लगाते हैं वो, और फिर एस. ओके, फॉर एग्जांपल द टेलर्स नीडल. देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, टेलर्स नीडल और मधुस बुक, या देखिए मधु की किताब, मधुस बुक. टू चेंज एन इरेगुलर प्लूरल इनटू पजेसिव नाउन, अपोस्ट्रोफे एस इज एडेड, द प्लूरल नाउन. ओके, अब यहाँ देखिए जो इरेगुलर प्लूरल है यानी जिसके पीछे एस या ई एस नहीं आता है, उसका हमें अगर पजेसिव नाउन बनाना है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस, लगाएंगे. जिसके पीछे नहीं आता है एस ई एस, उसके पीछे लगाएंगे. और देखिए अगला जो है वो ये कहा गया, टू चेंज रेगुलर प्लूरल नाउन दैट एंड्स इन एन एस इन टू पजेसिव नाउन, ओनली एन अपोस्ट्रोफी इज एडेड. और यहाँ कहा गया कि ऐसा प्लूरल, रेगुलर प्लूरल जिसके पीछे एस आता है, उसके पीछे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाएंगे. ओके, पजेसिव बनाते वक्त उसके पीछे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, एस ऐड नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज अ प्रॉपर नाउन दैट इज ऑलरेडी इन पजेसिव फॉर्म स्टेज द सेम. अच्छा, तो यहाँ देखिए क्या कहा गया, अगर कोई प्रॉपर नाउन पहले से ही पजेसिव में है तो वो पजेसिव में ही रहेगा. Okay students, now today we have learnt question number 4 and question number 5. We have done question number 4 and question number 5. So what you have to do in homework? आपको homework में क्या करना है? Question number 4 और 5 को अच्छे से पढ़ना है और समझना है. Okay students, और आपको ये recap वाला part भी बहुत अच्छे से पढ़कर समझना है. Students done? Okay. I hope you may like the video. Thank you for watching.